हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ मानवेंद्र। मैं आज आपको इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि ट्रुथ बिहाइंड टू पीसेस ऑफ किया सेल्टॉस, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा आखिर क्या सच्चाई है उस किया सेल्टॉस के दो टुकड़ों की, जो कि आजकल काफी वायरल और काफी ट्रेंडिंग हो रखा है और बहुत ढेर सारे लोग इस पे वीडियो बना भी चुके हैं और अभी बना भी रहे हैं। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है इस एक्सीडेंट से जुड़ी हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से ये शेयर किया जाए, बिकॉज लोग कुछ भी जान रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं और लोगों का हक है कि वो सच जाने कि आखिर किया सेल्टॉस के दो टुकड़े कैसे हुए, क्या तो हुआ है, क्या नहीं, आखिर गाड़ी दो टुकड़ों में कैसे बट गई और क्या क्या इसके रीजन थे। और बहुत से लोगों के मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि सर या भाई प्लीज आप कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, आप वीडियो बनाओगे कि इस पर नहीं बनाओगे। तो मुझे आज एक इन्फॉर्मेशन मिली, मैं उसी बेस पे आपको ये जो किया सेल्टॉस के दो टुकड़े हो गए थे इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप सब इतनी वीडियो देख चुके होंगे, जान ही चुके होंगे एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तो मैं आपको इस वीडियो में बस एकदम इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ पॉइंट पे कि क्या गाड़ी के टुकड़े खुद हुए थे या फिर टुकड़े किए गए थे। तो कार देखो, जैसा कि आप सबने जानते होंगे कार देखो को, जो कि नई नई गाड़ियां लॉन्च होती है तो उसका एक ऐप है जिसपे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती है। सो कार देखो की तरफ से आज एक नई रिपोर्ट आई है जो कि पुलिस से वेरीफाइड है, जिसमें लिखा है कि जो ये किया सेल्टॉस थी इसमें 5 पैसेंजर थे और ये काफी स्पीड में आ रही थी, ठीक है। लेकिन इसके सामने एक मोटर बाइक आ गई, लेकिन ड्राइवर ने उसको बहुत देर में, मतलब उससे लगा कि बाइक मेरे सामने आ रही है, तो ड्राइवर समझ नहीं पाया, तो ड्राइवर उस मोटर बाइक को बचाने के चक्कर में एक ब्रिज था, ब्रिज की रेलिंग से टकरा गया, क्योंकि कार काफी स्पीड में थी, अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर सब बता रहे हैं, लेकिन आप मान लो कि स्पीड ज्यादा ही होगी। तो उसी मोटर बाइक को बचाने के चक्कर में कार डिसबैलेंस होकर ब्रिज से टकरा जाती है और उसके बाद कार पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है, ऑन द स्पॉट 2 या 3 लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो वहां के जो लोकल्स थे और पुलिस आई, तो फिर आप जैसा कि जानते होंगे जो फ्यूल टैंक होता है वो हमेशा पिछली सीट के नीचे ही होता है और वहीं से सारी की सारी पाइप्स जो होती हैं इंजन से कनेक्ट होती हैं। तो पूरी की पूरी पीछे से कार डैमेज हो गई थी और फ्यूल जो था वो फट गया था, फ्यूल पाइप पूरी फट चुकी थी और लोगों को कार से बाहर निकालना था जो कि उसमें फंसे हुए थे। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि लोगों को कैसे निकालें, फिर पुलिस ने मतलब वेरीफाई, ऐसी रिपोर्ट आ रही है उसमें बोला गया है कि पुलिस ने बी और सी पिलर जो थे कार के उसको चॉप करके लोगों को निकाला, ताकि अगर नीचे से चॉप करती कार को या डोर से चॉप करती तो जो चिंगारी निकलती है कटर से उससे में भी आग लग सकती थी। सो एक यही फैक्टर था कि जो लोग कह रहे हैं कि किया सेल्टॉस के दो टुकड़े कैसे हो गए, तो एक सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि वहां की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी उस लोकेलिटी की, उसने कार को ऊपर से चॉप किया बी और सी पिलर से और जो लोग उसमें फंसे हुए थे उसमें से बाहर निकाला। लेकिन लोग इस पे तरह तरह के मतलब टिप्पणी कर रहे हैं, बातें बता रहे हैं कि किया सेल्टॉस कैसी है कैसी नहीं है। देखिए भाई, किसी के साथ भी इंसिडेंट हो सकता है, हाँ ये बात सच है कि इस कार की 3 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग है जो कि और होनी चाहिए थी, मगर लोग एकदम डिफेम कर दिए कि दो टुकड़े हो जा रहे हैं, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो प्लीज वेट करिए, आपको जब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो किसी भी चीज के बारे में कुछ कहिए, और समय से पहले प्लीज किसी भी चीज के बारे में, कार ही नहीं किसी के बारे में कुछ ना कहिए जब तक आपको एक प्रॉपर एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना मिले। सो ये थी पूरी वीडियो कि व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड टू पीसेस ऑफ किया सेल्टॉस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें कि इस कार के टुकड़े कैसे हुए, क्योंकि ये वीडियो और एक्सीडेंट बहुत वायरल हो गया है और लोग कुछ भी सोच ले रहे हैं कि कैसी कार है, डिब्बा है, ये है वो है। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग सच्चाई जान सकें कि क्या था क्या नहीं था, और आगे से प्लीज ध्यान दीजिए और सेफली ड्राइव करिए। थैंक यू सो मच।